नमस्कार सारे राजाओं को, राजा बनना है चले इसी मुहिम के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पिछले कुछ वीडियोस में हमने 16 दिशाओं के बारे में चर्चा करी। हर एक दिशा एक भाव है ना, ह्यूमन रेस में एक भाव, एक दिमाग के अंदर एक भाव पैदा करती है। कहीं ना कहीं कोरिलेशन भी इन दिशाओं का ह्यूमन ब्रेन के साथ है, उसकी सोच के साथ है, तभी हम ये मानव जीवन है उसको अच्छे से जी पा रहे हैं। आज मेरी राय कुछ कमरों को लेके, उन्हीं जोन्स में कुछ एक्टिविटीज को लेके, उन्हीं जोन्स पे कुछ ह्यूमन रेस के लोगों को लेके है ना। ह्यूमन रेस में बार बार इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि रजत सतप तमस, हम सारे जो व्यक्तिगण हैं, जो भी ह्यूमन रेस है, वो एक ना एक भाव ज्यादा रखती है। जैसे रजस की बात करें तो कोई बहुत ज्यादा सुपर एक्टिव रहता है, सतव की बात करें तो कोई पढ़ाकू रहता है, तमस की बात करें तो कोई अपने आप को थोड़ा लिथार्जिक महसूस करता है। ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इसके हिंदी मीनिंग्स निकाल लीजिएगा। तो जुड़े रहिए, जमे रहिए इस वीडियो में ताकि हम इसके ऊपर आज चर्चा कर पाए। और हमारा नेक्स्ट कोर्स 16 मई को होने जा रहा है, जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रीड करके अपने विवेक से इच्छा हो तो रजिस्टर करा सकता है। चलिए धन्यवाद। माय नेम इज प्रीति सचदेवा फ्रॉम हिसार, और ये जो कोर्स रहा है वो बहुत फ्रूटफुल रहा है। मैंने सर को ये बोला कि एक दिन और होता, वो इसलिए नहीं कि मुझे पूरा नहीं मिला, लेकिन ये कि वो मतलब बोलते रहे और मैं ज्ञान लेती रहूँ। मतलब ये कोर्स बहुत 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 अच्छा रहा, एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि ये कोर्स बहुत फ्रूटफुल रहा है मेरे लिए, और यहीं से अब जर्नी वास्तु की स्टार्ट है। तो थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में मेरी चर्चा रहेगी कमरों और दिशाओं में जीवन का प्रभाव। अगर हम कमरे, दिशा और जीवन का प्रभाव की बात करें तो ये 16 दिशाएं हैं। ये 16 दिशाएं ना बोल के हम इसे 16 मनोभाव कह सकते हैं, ह्यूमन ब्रेन के 16 भाव। हर एक भाव एक दिशा से आता है। पैसे कमाने हैं, नए अवसर चाहिए, ये नॉर्थ की दिशा का भाव है। इन्होंने इसी किताब के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी, उसी में से कुछ इन्फॉर्मेशन को मैं कट शॉर्ट करके आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। ये आप पढ़ सकते हैं कि एक भवन जो है पांच तत्वों से बनता है, मिलके पांच शक्तियों के वजह से एक भवन होता है। हर एक दिशा का एक कलर है, जो कि पहले भी हमने वीडियोस में चर्चा करी है। जैसे नॉर्थ का कलर नीला, ईस्ट का कलर ग्रीन है ना, साउथ ईस्ट का कलर फायर, साउथ वेस्ट का कलर येलो और वेस्ट का कलर व्हाइट। जैसे भी भवन हम बनाते हैं, उन भवन में अगर इन दिशाओं में इस तरीके के कलर्स यूज किया जाए तो भवन संतुलित रहता है, जो इन्होंने बताया। अब इसी के साथ इन्होंने एक और बात को ऐड करी, जैसे नॉर्थ की दिशा धन की दिशा बोली गई है, नए अवसरों की दिशा बोली है, और जल की दिशा भी बोली है। इन्होंने इसी किताब के अंदर इसमें से कुछ चीजें मैंने कट शॉर्ट करके निकाली हैं। तो इन्होंने ये सारी चीजें इन्होंने बोलने से महावास्तु खुशदीप बंसल साहब, इस सारी रचनाओं के रचयिता और मैं मनन करने वाला छोटा सा मुनि, इन्होंने जो क्रांति वास्तु के क्षेत्र में लाई है वो सराहनीय है, और इनकी जो रिसर्चेस हैं उसी को रिसर्च करके आज 5 साल हो गए, उसी पे मैं और अपनी छोटे छोटे इनपुट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और VFC कोर्स को जो प्यार आप लोगों ने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ की दिशा धन, नए अवसर, ये दिशा बोली गई है। जल इसका तत्व है, और शयन कक्ष मतलब सोने की जगह हम यहां पर बना सकते हैं। वैसी एननी स्वास्थ्य की दिशा बोली गई है, जल इसका तत्व है, यहां पर भी सोने की दिशा बन सकती है। नॉर्थ ईस्ट इन्होंने कहा कि ये जो दिशा है ये आपकी क्लैरिटी और माइंड को करती है, ये भी जल का तत्व है, इसमें ध्यान लगाया जा सकता है। जैसे इन्होंने कहा कोई ध्यान का अगर आप बनाना चाहते हैं तो ध्यान का रूम, मेडिटेशन रूम्स यहाँ पर बनाया जा सकता है। ईस्ट ENE की दिशा मनोरंजन की दिशा बोली गई है, यहाँ पर स्वागत मतलब मान लीजिए जो आप लोगों का एंटरटेनमेंट रूम होता है, या मान लीजिए जो आपका ड्राइंग रूम है, वो सारी चीजें इसमें एंटरटेनमेंट रूम मैं ऐड कर रहा हूँ। जैसे आजकल घरों के अंदर चलन है कि एक छोटा सा PVR जैसा वो अपने घर में ही बना लेते हैं, प्रोजेक्टर लगा होता है, सिटिंग अरेंजमेंट्स होती हैं और लोग इंजॉय करते हैं उस एरिया में, तो वहाँ एंटरटेनमेंट रूम बना सकते हैं और आपका डाइनिंग रूम बनाया जा सकता है, ड्राइंग रूम बनाया जा सकता है, डाइनिंग भी बनाया जा सकता है, बहुत अच्छा एरिया है ENE। इसके अलावा ईस्ट इन्होंने कहा ड्राइंग रूम के लिए यूज किया जाए, ईस्ट सामाजिक कार्य के लिए है ये दिशा, और इसमें हम ड्राइंग रूम बना सकते हैं। वैसी ESE स्वचालों के लिए इन्होंने कहा,
ऐसी अग्नि और धन की दिशा है तो रसोई घर बन सकता है, आपका सेफ रखाया जा सकता है, आपके वो डॉक्यूमेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनसे आपको हमेशा लाभ होना चाहिए, ये कुछ मैं एडवांस उस पर देते जा रहा हूं, तो उस तरीके से यहां पर इस जोन को यूज किया जा सकता है। ईएसई की दिशा शक्तिशाली दिशा है, यहां पर जिम बना सकते हैं, रसोई बना सकते हैं, आपके यहाँ के हेल्थ इक्विपमेंट्स जो भी हैं जैसे आपका कोई बीपी मीटर है ना, इस तरीके के जो भी चीजें हैं जैसे हम बीपी नापने के लिए जो यूज करते हैं, या फिर आपकी जो भी हेल्थ रिलेटेड कुछ तो भी जैसे हाथ पे हैंडबैंड्स पहनते हैं, ये सब यहाँ चार्ज किया जा सकता है, यहाँ रखा जा सकता है। साउथ की दिशा यश की दिशा बोली गई है, यहाँ पर भी सोने का घर मतलब बेडरूम बनाया जा सकता है। साउथ के अंदर भी नेम एंड फेम की दिशा है तो आपका ऑफिस भी बन सकता है इसके अंदर। SSW साउथ साउथ वेस्ट, यहाँ पर शौचालय के लिए बनाया जा सकता है, आपका वो वेस्ट सामान जो कभी काम नहीं आता वो आप रख सकते हैं। साउथ वेस्ट की दिशा संबंधों की दिशा है, पृथ्वी तत्व है इसका, इसका तत्व भी पृथ्वी है, तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें जैसे ऑफिस बना सकते हैं, और भी इन्होंने अध्ययन के लिए लिखा है, अध्ययन करने के लिए रूम बनाया जा सकता है, ऐसी बहुत सारी चीजें साउथ वेस्ट में आप डाल सकते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा शिक्षा की दिशा है, बचत की दिशा है, यहाँ पर भी अध्ययन रूम बन सकता है, बच्चों के लिए पढ़ाई का कमरा बन सकता है। इसके अलावा जो धन आप बचा के रखना चाहते हैं उनकी फाइल्स, वो धन, वो सारा सामान आप रख सकते हैं। इसके अलावा वेस्ट की दिशा, इसके बाद जो दिशा आ गई वेस्ट की दिशा, प्राप्तियों की दिशा है, लाभ की दिशा है, तो यहाँ पर भी आप ड्रॉइंग रूम बना सकते हैं, जहाँ पर लोग आपके पास मिलने आते हैं वो बनाया जा सकता है। मेरा नाम धर्मेंद्र वशिष्ठ है, मैं दिल्ली से ही हूँ और वास्तु गुरु जी का मेरा थर्ड सेमिनार है और फर्स्ट पहले तो भी जो ज्वाइन किया है बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं थर्ड में भी आया हूँ और बहुत अच्छा वंडरफुल एक्सपीरियंस था। सबसे अच्छी बात सबकी ये है कि बहुत सिंपल वे में और ऑनेस्टली सब कुछ देने की उनकी जो इंटेंशन है ना बहुत अच्छी लगती है और इसी वजह से हम यहाँ पर सब बढ़ी रहा है इसलिए। और सर ने जो एस्ट्रोलॉजी को भी इस बार पार्ट जो एडिशन किया है, देवता फील्ड का जो एडिशन किया है वो बहुत वंडरफुल था और उसके लिए हम सब थैंकफुल हैं उनके लिए और आगे भी होप सो सर इतना बेस्ट करते रहेंगे तो हम उनके साथ जुड़े ही रहेंगे हमेशा के लिए, उनके लिए बन सके राजा बनना है। फिर इसमें आगे आ जाता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन का जोन बोला गया है, इसमें भंडार है ना, जैसे खाने का जो भंडार है वो सारी चीज़ें आप यहाँ रख सकते हैं, वॉशरूम्स भी बनाया जा सकता है, वॉशिंग मशीन, इस तरीके की एक्टिविटी यहाँ पर की जा सकती है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन के जोन में, जो डिप्रेशन से रिलेटेड, जो डिप्रेशन को निकाल दे बाहर उस तरीके के रिलेटेड यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। वैसे ही नॉर्थ वेस्ट बोला गया है, नॉर्थ वेस्ट बैंकिंग एंड सपोर्ट है, यहाँ पर भी भंडार, किचन और डाइनिंग हॉल, ड्राइंग रूम, इस तरीके की एक्टिविटीज़ यहाँ पर भी करा जा सकता है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट आकर्षण का जोन है, यहाँ पर कमरा बनाया जा सकता है। जो नए वैवाहिक कपल हैं, जो जिनकी न्यूली मैरिड हुई है, उनका कमरा यहाँ पर डाला जा सकता है। अब इसी के आगे इन्होंने कुछ और बताने की कोशिश करी है, इसमें इन्होंने कहा है कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है उन्हें वहाँ ना सुलाएं, क्योंकि वो सुलाने के बाद जैसे वो अपने ससुराल जाती है, अपने घर जाती है, तो उसको पति से थोड़ी सी समस्या होगी। ये सारी चीज़ें आप इस पर पढ़ सकते हैं। उसके सुलाने का जो जोन है वो साउथ 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 ईस्ट है ना, जो बिटिया जिनकी शादियाँ नहीं हो पा रही है या नहीं हो रही है उनके लिए इन्होंने कुछ अपना अनुमान बताया है। अभी देखिए ये पूरी सृष्टि जो चलती है ना, वो चलती तो देखिए सारा का सारा जितना चलता है वो है सांख्या के ऊपर। हम इसे टेम्पलेट या आधार मान के ना किसी भी प्रकार से किसी के लिए डिजाइन नहीं कर सकते, यही एक सफल वास्तुकलाकार का रोल प्ले होता है। सांख्या मैंने पहले भी काफी वीडियोस में आप लोगों को बताया है, सांख्या है पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, मनस और ये सारी चीज़ों के 25 एलिमेंट होते हैं। उसके बाद फिर परसेप्शन ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन्स, फिर पांच महाभूता, इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सांख्या को कोरिलेट करके बनती है। अब ये बार बार बात आती है कि पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है। पुरुष कांस्टेंट फैक्टर ऑफ लाइफ है, पुरुष को हमेशा इस बात को समझिएगा, जो कांस्टेंट है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता वो है पुरुष। और प्रकृति क्या है, प्रकृति है रजस, सतप, तमस, ये तीन गुण हैं जिसके थ्रू हम किसी को मैनिपुलेट करते हैं, हम बदल नहीं सकते पर मैनिपुलेट करते हैं। अब इसी को छोटा सा और एक शॉर्टकट पे समझ लेते हैं।
एक व्यक्ति की प्रकृति है वो है तमस प्रकृति का। तमस प्रकृति के अंदर ये देवता इन्हीं एरियाज के अंदर ही वो रह सकता है। एक व्यक्ति है जो वाग वाला है, सतव वाला है, वो इसी एरियाज में रह सकता है जो मैंने अभी आपको क्लियर करने की कोशिश करी। एक फायरी एग्रेसिव रजस वाला व्यक्ति है, उसके लिए ये एरियाज हैं। जो अभी 16 फेब को भी जो आए थे उनको भी मैंने ये क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि हर एक व्यक्ति का जो फॉर्मूला है, जो वो टेम्पलेट लेके पैदा हुआ है, हमने कहा ना एक पुरुष है, पुरुष, मैं व्यक्ति ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं, वो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, पर यहां इन लोगों ने जो उल्लेख किया है वो उल्लेख किया है पुरुष के बारे में। तो जो पुरुष है वो कांस्टेंट फैक्टर ऑफ लाइफ है, जो चेंज नहीं किया जा सकता। उस कांस्टेंट फैक्टर ऑफ लाइफ को जैसे ही हम उसकी जगह पे रीस्टेट करते हैं, अपने आप से मिलना कहते हैं ना, अंतर मन के अंदर झांकना कहते हैं ना, तो जैसे ही हम उसको अपने आप के साथ रीस्टेट करते हैं तो ये सारे जोन्स एक्टिव हो सकते हैं। इस तरीके की जो बातें हैं, जो नॉर्थ के अंदर ये बना लीजिए, साउथ के अंदर ये बना लीजिए, ईस्ट के अंदर ये बना लीजिए, ये एक छोटा सा ना आधार है, या कहिए ये छोटी सी बात है जो हमने सांख्या के अंदर से निकाली है, क्योंकि शॉर्टकट्स देना था, तुरंत बात को खत्म करनी थी, तो इस तरीके से 16 जोन्स की प्रोग्रामिंग की जा सकती है। 16 जोन्स की जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो इस तरीके से किया जा सकता है कि भाई ENE है तो स्वागत रूम बना लीजिए, साउथ है तो आप अपने सोने का बना लीजिए, रसोई बना लीजिए, इस तरीके से कर सकते हैं अपन। पर जो पुरुष है, पुरुष के साथ जैसे ही हमें खेलना होता है या हमें उसका जो मैनिपुलेशन करना होता है, पुरुष मतलब ह्यूमन रेस का ह्यूमन बीइंग, तो उसके मैनिपुलेशंस हम किसके साथ करते हैं, दिमाग के साथ करते हैं, उसकी प्रकृति के वजह से करते हैं। पुरुष प्रकृति मिलते ही एक महत्व इंटेलेक्चुअल चीज पैदा होती है, महत्व पैदा होता है। महत्व, अब इसे हम इस शॉर्ट अगर हम ऐसे देखें कि भाई आपके दिमाग में एक विचार आया, विचार आप किसी, आपका दिमाग क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ इनटेक करता रहता है, एक विचार आया, उस विचार को जब आपने एक स्वरूप दिया तो उसे कहते हैं अहंकार। अहंकार कोई ईगो नहीं है, अहंकार है एक व्यक्ति एक चीज का आकार लेना, जो विचार है वो आकार आ जाए, आकार में आ जाए। उस आकार के आते ही आपके दिमाग से एक तरंग आती है कि मुझे ये बाय करना है। अब ये बाय करना है, ये जो महत्व है, ये जो महत्व है कॉस्मिक माइंड, मनस जिसको कहा गया है, जो महत्व है वही मनस के ऊपर ना डायरेक्टली अटैक करता है कि मुझे ये परचेज करना है या ये मुझे चाहिए। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस हम ये 16 जोन्स के ऊपर ही करते हैं। हर एक जोन पे एक ना एक एक्टिविटी होने की वजह से, आप इस बात को समझिए, हर एक जोन पे जो एक्टिविटी हम करते हैं वही हमारा, वो ही हमारा आकार है, जिसके वजह से हमारा मनस जो है वो मैनिपुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, मनी एंड अपॉर्चुनिटी का जोन क्या होता है, नॉर्थ होता है, जो आप लोगों को काफी पहले से पता है। उसी मनी एंड अपॉर्चुनिटी के अंदर अगर किसी ने मिक्सी लगा दी, अगर किसी ने वॉशरूम बना दिया, अगर किसी ने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी जो मनी एंड अपॉर्चुनिटी को ड्रेन करती है ना, स्टोर रूम बना दिया, तो उसके मनस पे, उसके मनस पे वो महत्व और अहंकार के वजह से ये मैनिपुलेशंस होंगी कि हमें अब ये काम नहीं करना है, या ये काम करने में अब मजा नहीं रह गया, या इस काम करने से अब कोई फायदा नहीं होता है। अब देखिए अलग अलग तरंगे जो हैं दिमाग के अंदर, ये जो अलग अलग भाव हैं, ये तब पैदा हो रहे हैं जब मनी एंड एक्टिविटी के जोन पे, मनी एंड अपॉर्चुनिटी के जोन पे हमने कोई वहां पर एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। अब ये जो मैनिपुलेशन है ना, ये मैनिपुलेशन हर किसी के लिए एक्टिव नहीं है। इस बात को देखिए, फायर वाला है ना, रजस वाला है, फायर वाला है, रजस वाला है, उसको तो सतव वाले से कोई लेना देना नहीं है, है ना, क्योंकि सतव में वो जैसे ही जाता है अपनी एनर्जी को वो लूज होते हुए फील करता है। अग्नि जब पानी के पास आती है तो बुझ जाती है ना, तो जो एग्रेसिव व्यक्ति है उसके लिए नॉर्थ इतना एक्टिवेट नहीं होगा, पर जो तमस वाला है ना, जो शांत स्वभाव का है, जो व्यापारी है, जो तमस वाला है, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ये चीजें, है ना। कौन सी चीज, मनी एंड अपॉर्चुनिटी के जोन पे वॉशरूम बनाना, स्टोर रूम बनाना, या कोई भी एंटी एक्टिविटी लाइक मिक्सी करना या किचन डालना, ये सारी चीज तो उसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो ये जो
प्रकृति है, इसको पहले आपको समझना होगा कि किस पुरुष के ऊपर ये आगे आएगी, तभी हम इस पे आगे और समझ सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक छोटा सा इंसाइट दिया है जो आप रेगुलर ह्यूमन रेस के साथ कर सकते हैं। इन्होंने कहा जो जोन्स हैं उसमें पूजा स्थान अगर आपको बनाने हैं तो अलग अलग जोन्स पे अलग अलग प्रतिमाओं को विराजमान करके आप पूजा स्थान बना सकते हैं। जैसे इन्होंने नॉर्थ पे लक्ष्मी जी कहा है, गणेश जी कहा है, एनएनई के अंदर इन्होंने धन्वंतरी कहा है, धन्वंतरी स्टोर में भी हमारे अवेलेबल है। धन्वंतरी देवता रखना चाहिए घर के अंदर क्योंकि ये वेदों के वेद हैं, है ना, मतलब जिस हिसाब से ये सबसे सबसे एक ऐसे हैं जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जो जिन्होंने ये फॉर्मूलाज निकाले थे कि तबीयत कैसे ठीक हो सकती है। इन्होंने ये केमिस्ट हैं ऐसे मान लीजिए, इनको केमिकल कंपोजिशंस बहुत अच्छे से आते हैं। घर पे होने से आपको दुनिया के केमिकल कंपोजिशंस बहुत अच्छे से आ जाएंगे। मैं लिंक शेयर कर दूंगा इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। एनी के अंदर इन्होंने शिव जी को कहा है, शिव परिवार को। एनी के अंदर जब भी किसी को विराजमान करें नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ना ईस्ट देव कहे गए। अब इसी पुरुष प्रकृति है ना, पुरुष प्रकृति और महत्व के हिसाब से अगर हम पुरुष के बारे में बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में जैसे अगर हमने बात करी कि अब इस पुरुष के लिए किसी का रजस है, किसी का सतव है, किसी का तमस है, तो किस पुरुष के लिए कौन सा ईस्ट देव रहेगा, तो इसके भी छोटे से इनसाइट्स इसी वीडियो में दे देता हूं। जैसे जो वाटर प्रकृति का है, जो तमस प्रकृति का है, उसके लिए तो शिव बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे, है ना, शिव को देखेंगे, चेतना, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। जो सतव प्रकृति का है उसके लिए नटराज बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे, और जो रजस प्रकृति का है उसे दिखता है, तो आप उसी से पूछ सकते हो कि जब तुम संकट में रहते हो तो तुम्हें पहली प्रतिमा क्या दिखती है। तो जो लोग रजस प्रकृति के हैं अगर आप उनसे पूछोगे ना, तो वो कहेंगे उनके परिवार का कोई गणमान्य सदस्य उसको दिखता है, जैसे उनके फादर, उनकी मदर, है ना, क्योंकि वो लोग आइडल ही ऐसे लोगों को बनाते हैं जिन्होंने कोई अचीवमेंट किया है। तो हो सकता है उनकी माता, उनके पिता या उनके दादाजी की कोई भी ऐसी फोटोग्राफ हम एनी में लगा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई उनको, जैसे क्योंकि उनको पावर रिप्रेजेंट करता है, तो उनके लिए दुर्गा जी और हनुमान जी भी हम लगा सकते हैं। तो कोई ये बात नहीं है कि ऐसा कुछ फिक्स कर दिया और सारे घर इसी तरीके से चलेगा। फिर भी कुछ कुछ इस किताब के अंदर लिखा है और कुछ मेरे इनसाइट्स थे, वो मैं दोनों को क्लब करके आपको इस VFC कोर्स के अंदर शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ENE के अंदर राधा कृष्ण बताया है, ई के अंदर राम दरबार बताया है, लक्ष्मी जी का कुछ बताया है, ESC के अंदर ये सारा आप पढ़ सकते हैं, काफी कुछ इन्होंने बताया है। साउथ के अंदर कालीमा बताया है, यम जब विराजमान होता है तो साउथ के अंदर ही आते हैं, पर किसका यम बैठाना है, है ना, किसके घर के अंदर यम की प्रोग्रामिंग करनी है, कालीमा की प्रोग्रामिंग करनी है, किसके यहाँ पर लक्ष्मी जी की प्रोग्रामिंग करनी है, गणेश जी की प्रोग्रामिंग करनी है, ये आधार ही पूरा का पूरा पंच तत्वों के ऊपर सांख्या पे ही बिठाया जा सकता है। हम सांख्या को ओमिट करके पंच तत्वों को आधार बना के इस चीज को नहीं बिठा सकते, या 16 जोन्स को आधार बना के ऐसे नहीं कर सकते। तो चलिए, ये रही मेरी राय। आगे चल के इन्हीं वीडियोस में और छोटी छोटी एक्टिविटीज लाइक वॉशिंग मशीन क्या रोल प्ले करेगी, स्टोर रूम क्या रोल प्ले करेगा इन 16 जोन्स पे, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे इन्हीं VFC वीडियोस में। तो चलिए, धन्यवाद। दिल से राजा बनना है, तन मन धन से राजा बनना है, और आप राजा बन के रहोगे। इस सब चीजों को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप फॉलो करते चलें, आपको बहुत सारे इसमें क्लूज मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद।